सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों जैसे मैं ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं एजुकेशन एप्स पे, लाइक जूम, गूगल मीट, दीक्षा ऐप, गूगल फॉर्म्स। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आऊँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कैसे यूज करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का होना कंपलसरी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट करना है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट को क्रिएट करना है, कैसे पार्टिसिपेंट को इनविटेशन सेंड करना है, कैसे पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन करना है, कैसे स्क्रीन शेयरिंग करनी है, कैसे वीडियो कॉल करनी है, कैसे फाइल शेयर करनी है, कैसे चैट करनी है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों ड्यूरिंग वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने लेफ्ट फोन को टीचर का नेम दिया है एंड राइट फोन को स्टूडेंट का नेम दिया है। टीचर फोन से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टीम्स, TEAMS, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी साइन इन साइन अप। दोस्तों अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट क्रिएटेड है तो आपने साइन इन करना है, अदरवाइज आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आपने अपना जीमेल का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल का ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फॉर स्कूल, फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फॉर वर्क। अगर आप स्कूल पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है आपके स्कूल के ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए और आपके स्कूल का जो पैक है वो परचेज्ड होना चाहिए। सबसे इजीली काम कर रहा है फॉर वर्क, आपने फॉर वर्क को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए। आप यहाँ पे इजी पासवर्ड दे सकते हो, अपर करेक्टर लोअर करेक्टर की कोई कंडीशन नहीं है, कोई सिंबल की कंडीशन नहीं है। उसके बाद आपको जीमेल में कोड रिसीव होगा, आपने जीमेल ओपन करनी है। कोड फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। कंपनी नेम में आप अपनी क्लास का नेम भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 9th class। उसके बाद सेटअप टीम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आ रही है ऐप के थ्रू ओपन करने की, तो हम ओपन इट पे क्लिक करना है। ओपन इट पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूजर नेम डालना है जो अभी हमने क्रिएट किया था। आफ्टर दैट साइन इन करना है, क्या पासवर्ड डालना है जो अभी हमने पासवर्ड लगाया था, फिर से साइन इन करना है। दोस्तों यहां पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉग इन हो गया है। उसके बाद आपने यहां पे सिलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन पे क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी हमने अपनी कंपनी का नेम दिया था, हमने अपनी कंपनी का नेम दिया था 9th class। आफ्टर दैट नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगी प्रोफाइल पिक अपलोड करने की, आप यहां से प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करना है। दोस्तों अगर आप यहां से इनवाइट करना चाहते हो पार्टिसिपेंट को तो यहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने नॉट नाउ करना है। और जो हमारा लॉगिन हो गया प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, दोस्तों सबसे पहला आइकॉन मिलता है एक्टिविटी का, उसके बाद मिलता है चैट का, उसके बाद मिलता है टीम्स का, उसके बाद मिलता है कॉल्स का, उसके बाद मिलता है मोर एंड मोर में फाइल शेयरिंग का। और लैपटॉप पे ऑप्शंस मिलती हैं, यहाँ पे आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, सेटिंग्स मिलती हैं हमें, सेटिंग में हम डार्क मोड सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हो, डाटा एंड स्टोरेज की, प्रोफाइल अपनी चेंज कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद ऑप्शंस आ रही हैं इनवाइट पीपल, इनवाइट पीपल के पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट का ईमेल आईडी डालना है, जहाँ बोलो अपने स्टूडेंट का ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ और उसके बाद अपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी डालने के बाद अगर आप मोर देन वन ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे कितनी भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है, टिक पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगा पार्टिसिपेंट को। दोस्तों पार्टिसिपेंट फ़ोन में भी, जब बोलो स्टूडेंट फ़ोन में भी टीम्स का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जैसे इस फ़ोन में मैंने ऑलरेडी टीम्स इंस्टॉल कर रखा है।
उसके बाद इस फोन से भी आपने ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी इस फोन में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपने भी इस फोन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, जैसे हमने दूसरे फोन में किया था। तो अभी यहां पे मैं साइन इन कर रहा हूं। दोस्तों जैसे ही मैंने साइन इन किया तो मुझे यहां पे रिक्वेस्ट मिल गई है, जो मैंने कंपनी का नेम दिया था नाइन्थ क्लास, यहां पे मुझे नाइन्थ क्लास की रिक्वेस्ट आ गई है टीचर फोन से। अभी मैं इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके ओके करूंगा और उसके बाद आपको ब्राउजर के थ्रू ओपन करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने ब्राउजर के थ्रू ओपन करना है। फिर से आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड देना है। दोस्तों मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पहले क्रिएटेड था, अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, तो आपने एक्सेप्ट कर देना है। यहां पर डू यू वॉन्ट टू स्विच नाइन्थ क्लास, ओके। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में एंटर कर चुके हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे करके गेट इट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम चेंज करने की ऑप्शन आएगी, तो आप अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो आप नेम चेंज कर देना है, क्योंकि ये जो नेम क्रिएटेड है वो ईमेल आईडी के बेस पे क्रिएटेड है। अगर पार्टिसिपेंट भी किसी को इन्वाइट करना चाहते हो कर सकता है, अदरवाइज नॉट नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी मैं दोनों फ़ोन से माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉग इन कर चुका हूँ। दोनों ही फ़ोन में सेम ऑप्शन आ रही है एक्टिविटी की, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में आ रहा है कि आपको किसने इनवाइट किया है। तो दोस्तों अभी हम सभी ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है एक्टिविटी की, एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी होगी, आपको किसने ऐड किया, किसी ने रिमूव किया, कोई मैसेज आया, तो आप यहाँ पे सभी एक्टिविटी शो होगी। और सेकंड ऑप्शन आ रही है चैट की, जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे दोस्तों आप यहाँ से चैट भी कर सकते हो। अगर कोई फाइल अटैच करके सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई जेपीजी फाइल, कोई पीडीएफ फाइल, आप कुछ भी यहां से सेंड कर सकते हो। अटैच वन फोटो पे क्लिक करके, जैसे मैं यहां पे फोटो सेंड कर रहा हूं, दोस्तों एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट को चैट शो होगी। जैसे एडमिन ने यहां पे एक फ़ोटो सेंड किया है तो पार्टिसिपेंट को यहां पे फ़ोटो रिसीव हो जाएगी, पार्टिसिपेंट उस फोटो को सेव भी कर सकता है एंड शेयर भी कर सकता है। ऐसे दोस्तों आप कोई मैसेज भी लिख के सेंड कर सकते हो, जैसे ये मैं यहाँ पे हाय का मैसेज सेंड किया, दूसरी तरफ भी मैसेज सेंड हो गया, और मैं इस फ़ोन से भी मैसेज सेंड कर सकता हूँ। दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पे GIF कोई फाइल अटैच करना चाहते हो अटैच करके, उसके बाद ऑप्शन आ रही है ऐट द रेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ चैट करना चाहते हो तो आपने ऐट द रेट लगा के उसका नेम डाल देना है। आफ्टर दैट ऑप्शन आ रही है फॉन्ट्स को बोल्ड करने की, अटैलिक, अंडरलाइन और कलर चेंज करने की, और दोस्तों यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन आ रही हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रही है मोर की, जैसे हम मोर पे क्लिक करते हैं तो प्रायोरिटी, इमोजी, लोकेशन, पावर बीआई एंड प्रेज। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ रही है फाइल्स की एंड मोर की। दोस्तों उसके बाद टीम्स का आइकॉन आ रहा है, यहाँ पे जितने भी चैनल क्रिएटेड हो गए, जैसे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जितने भी टीम्स क्रिएटेड होगी यहाँ पे सभी टीम्स शो होगी। अगर आप किसी भी टीम पे क्लिक करते हो तो आप चैट सेक्शन में एंटर हो जाओगे। तो जैसे ही हम कॉल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल की हिस्ट्री शो होगी। अगर आप कोई न्यू कॉल करना चाहते हो तो आपने कॉल पे क्लिक करना है। कॉल पे क्लिक करने के बाद आपने किस पर्सन के साथ कॉल करनी है, आपने यहाँ से उसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सन ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी और पर्सन को साथ में ऐड करना चाहते हो तो आपने सेकंड पर्सन का नेम लिखना है। आप कितने भी पर्सन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने कॉल पे क्लिक करना है, सभी पर्सन को ऐड करके यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप कॉल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो की ऑप्शन आएगी। दोस्तों सेकंड फोन पे भी कॉल आ गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। दोस्तों अभी यहाँ पे कॉल कनेक्ट हो गई है। अगर आप वीडियो कॉल को ऑन करना चाहते हो वीडियो पे क्लिक करना। माइक्रोफोन को ऑफ कर रहा हूं दोनों फोन से। दोस्तों ड्यू टू इको प्रॉब्लम मैंने दोनों फोन से माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। यहां पे ऑप्शंस आ रही हैं कैमरा को ऑन ऑफ करने की, माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करने की, स्पीकर को ऑन ऑफ करने की। जैसे मैं स्पीकर पे क्लिक करता हूं दोस्तों यहां पे ऑप्शन आ रही है डिवाइस, स्पीकर एंड ऑडियो ऑफ की।
नेक्स्ट मोर पे क्लिक करते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रही है पुट कॉल ऑन होल्ड, शेयर ट्रांसफर, कॉल को ट्रांसफर करने की, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो। आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, वीडियो को टर्न ऑफ भी कर सकते हो वीडियो कॉल्स को। आफ्टर दैट ऑप्शन आ रही है डायल पैड की। दोस्तों दोनों तरफ सेम ही ऑप्शन शो हो रही है, इस फोन में भी यही ऑप्शन शो हो रही है। दोस्तों अभी हम मोर पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शेयर फोटो की। अगर आप कोई फोटो शेयर करना चाहते हो तो आप यहां से फोटो भी शेयर कर सकते हो, और अगर आप कोई फाइल शेयर करना चाहते हो तो आप फाइल भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो शेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे फोन में भी सेम ही शेयरिंग होगी। दोस्तों ड्यूरिंग कॉल अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो तो आप यहां से ऐड भी कर सकते हो किसी अदर पर्सन को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है शेयर पावर पॉइंट। अगर आपके पास कोई पावर पॉइंट की फाइल है तो आप यहां से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, और अगर आप कोई पीडीएफ फाइल शेयर करना चाहते हो तो आप पीडीएफ फाइल भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है शेयर स्क्रीन की। जैसे मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट होती है तो साइड पे रेड कलर का बॉर्डर शो होता है। अगर आप और अभी जो भी मैं यहां पे अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा वही मेरे पार्टिसिपेंट को, जितने मेरे टीम में पार्टिसिपेंट हैं सभी को वही शो होगा। दोस्तों अगर आप शेयरिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने नोटिफिकेशन को ड्रैग करना है। नोटिफिकेशन को ड्रैग करने के बाद आपने कॉल में रिटर्न करना है। जैसे आप कॉल में रिटर्न करने हो, जैसे आप कॉल में रिटर्न करते हो तो स्टॉप प्रेजेंटिंग की ऑप्शन आएगी। दोस्तों अगर आप ड्यूरिंग कॉल चैट करना चाहते हो तो आपने यहां पे क्लिक करना है, आप ड्यूरिंग कॉल चैट भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप रियर कैमरा ऑन करना चाहते हो तो आपने यहां पे क्लिक करके रियर कैमरा ऑन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मीटिंग को एंड करना चाहते हो तो आप रेड आइकन पे क्लिक करके मीटिंग को एंड भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या किसी अदर एजुकेशन ऐप के रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।